खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि मेरी इस बार भी शाहपुरा से चुनाव लड़ने की इच्छा है। राज्य में सर्वाधिक वोटों से मेरी जीत हुई थी। 90 साल का होने के बावजूद मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पदभार ग्रहण समारोह में 5 घंटे तक बैठा रहा। भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता, राजस्थान के गृह मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, अभी विधायक हैं, केंद्र में मंत्री रहे, कैलाश मेघवाल साहब, हम इनसे बातचीत करते हैं। मेघवाल साहब, आपने पुराने दौर से लेकर आज तक के दौर देखे हैं, कई अध्यक्ष देखे हैं, राजस्थान की सत्ता के बनते बिगड़ते समीकरण भी देखे हैं, आज के समीकरण को देखकर आप क्या कहेंगे? आज नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी, वे बिल्कुल स्वस्थ रूप से राजनीति चलाने के आदि हैं, क्योंकि मैं उन्हें चित्तौड़गढ़ से एमपी है और कपास विधानसभा के रहने वाले हैं तब से जानता हूं, तो उम्मीद करता हूं कि वे बिल्कुल निष्ठापूर्वक भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा आज वातावरण बन रहा है राजस्थान में, सरकार के बदलने की संभावनाएँ ज़्यादा है, इसका श्रेय वो लेंगे, ये मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर आज आप भी दिखाई दिए, यूनुस खान भी यहाँ पर आए, राजपाल सिंह शेखावत भी आए, तमाम तरीके के लीडर आए। कई दिनों से आप भी कम आते थे, बहुत से लीडर तो ऐसे थे जो आते ही नहीं थे, सभी लोग आज यहाँ दिखाई दिए, इसको लेकर क्या आपका आकलन कहता है, क्योंकि आपके पास अच्छा अनुभव है? आकलन मेरा ये है कि नई लीडरशिप के आने के बाद सबका विश्वास उस नई लीडरशिप में पैदा हो और उनका जो संबोधन है उससे हम प्रेरणा लें, इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी एक हो इस दृष्टि से इस कार्यक्रम में आए हैं और आगे भी वो सब एक होकर के राजस्थान की राजनीति में अपना स्थान भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में करेंगे। वसुंधरा जी के लिए क्या कहेंगे, वो किस तरीके की लीडर हैं, उनके भी लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं, सालासर में भी था अभी, हालांकि वो दतिया हैं, संदेश उन्होंने भिजवा दिया वर्चुअल माध्यम से, उनके लिए क्या कहेंगे? वसुंधरा राजे एक प्रतिबद्ध नेता है, डिटर्मिंड नेता है, और जो तय करती है उस रास्ते पर चल निकलती है। इसी क्रम में उन्होंने अपनी जन्ममार्च मनाने के बहाने राजस्थान के जनता तक निशा अपना संबोधन पहुंचाया है, अपना मैसेज पहुंचाया है, और वो राजस्थान में बहुत ही सक्रिय होकर के अब अपनी भूमिका निभाएगी, यह मेरा उनसे मानना है, और निभाएगी भी, वो सक्रिय हो गई है। आपके लिए लोग कहते हैं कि मजाक में कई बार चुटकियों में कि अभी तो मैं जवान हूँ, तो आपकी एक बार और चुनाव लड़ने की इच्छा है? मैं निश्चित लड़ूंगा, मेरी जो विधानसभा क्षेत्र है शाहपुरा बनेड़ा, वो शाहपुरा को जिला बनवा लिया मैंने दबाव डाल के, और जिला बनने के बाद कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि मुझे वहाँ जो है कोई रोक सके, मेरा अगली विधानसभा में आना तय है। तो आप अपने आप को स्वस्थ पाते हैं शारीरिक रूप से? आपके सामने बैठा हूँ ना, मेरी आवाज़ कैसी निकल रही है, कुछ बीमारी दिखती है क्या आपको, बैठने में कुछ बीमारी दिखती है क्या? और 5 घंटे बैठा हूँ इस 90 साल की उम्र में, तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि मैं स्वस्थ हूँ कि नहीं। 90 साल की उम्र में भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं कैलाश मेघवाल, इनका कहना है कि मैं अगली बार भी चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगा, इनके लिए उम्र जो है वो बाध्य नहीं है। नरेंद्र के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।